गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डू अवर नेक्स्ट टॉपिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर, दैट इज एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। यू नो एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव मीन्स अलर्ट, विच इज एक्टिव मीन्स हिंदी में अगर कहें तो सतर्क। एक्टिव मीन्स सतर्क और पैसिव मीन्स उसका ऑपोजिट। पैसिव मीन्स विच इज नॉट इन वर्किंग। तो टुडे वी विल डू दिस वन टॉपिक वॉइस एंड इट इज इन टू एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस वेयर सब्जेक्ट इज एक्टिव। सब्जेक्ट इन द सेंटेंस इज एक्टिव and passive where subject is passive, verb or object, object is in the active form। देखिए ये for example मैंने एक वाक्य लिखा, Mayank writes a letter। Mayank writes a letter means Mayank our subject is active। Who is writing a letter? Mayank. Mayank our subject, which is active. Here we can say Mayank is active and a letter is passive. This is called active voice. इसको change करेंगे। Change means a letter, ये जो letter है ये ऑब्जेक्ट है, वही आगे आ करके ए लेटर इज रिटन बाय मैन मींस ये लेटर आगे आ गया। यहां पे ऑब्जेक्ट था लेकिन यहां पे सब्जेक्ट हो गया, एक्टिव हो गया। मैन जो कि सब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस में, वो वहां पे जाके ऑब्जेक्ट हो गया और यहां पर आकर के ये पैसिव हो गया। यानी कि हमारे जो भी सेंटेंस सिंपल टेंस जो रहते हैं, सिंपल टेंस हम सबसे पहले करते हैं, वो सारे एक्टिव वॉइस में होते हैं। और पैसिव वॉइस को सीखने के लिए, जानने के लिए वो सभी 12 सेंटेंस हमारे को आने बेहद जरूरी है। वो जब हमारे को आते हैं तो फिर ये बिल्कुल आसान हो जाता है, और अगर वो मान लीजिए नहीं आते हैं तो फिर हमारे को वो पहले सीखना भी जरूरी है। तो हम देखेंगे अब कि एक्टिव वॉइस में जैसे हमने एक वाक्य किया मयंक राइट्स अ लेटर, और सेकंड हमने किया कि उस तो सेकंड हमने किया ये चेंज कर दिया हमने, ये लेटर इज रिटन बाय मयंक, यानी कि मयंक यहां पे एक्टिव था और इधर जाकर के पैसिव हो गया। ये लेटर इधर ऑब्जेक्ट की फॉर्म में था, पैसिव था, और जैसे हमने इसको चेंज किया तो यहां पे ये एक्टिव फॉर्म में आ गया। तो इस तरीके से हमने इस वाक्य को चेंज किया, मयंक राइट्स अ लेटर एंड इसको चेंज करके पैसिव बनाया, ये लेटर इज रिटन बाय मयंक। अब इसका हमारे पास यानी कि जैसे मैंने बताया कि सिंपल जो टेंस है वो आने जरूरी है। अब सिंपल टेंस अगर आपको आते हैं फिर दिक्कत नहीं होगी, फिर आप बिल्कुल आसानी से इसको कर पाएंगे। और इसके लिए मैंने एक चार्ट तैयार किया है कि इधर मैंने एक्टिव जो वर्ब है वो लिखे हैं और इस तरफ पैसिव जो वर्ब है वो लिखे हैं। तो आप देख सकते हैं कि एक्टिव जो हमारी वर्ब होती है, जो हम प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में यूज करते हैं डू एंड डज, उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज करते हैं इज एम आर, और प्रेजेंट परफेक्ट में करते हैं हैज हैव। उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट में हम लोग यूज करते हैं डिड, पास्ट कंटिन्यूअस में करते हैं वाज वर, पास्ट परफेक्ट में करते हैं हैड, और फ्यूचर टेंस में हम लोग करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट में विल शैल, और फ्यूचर परफेक्ट में करते हैं विल हैव शैल हैव। ये हमारे एक्टिव वर्ब हम बोलते हैं, एक्टिव हेल्पिंग वर्ब्स जिनको हम सिंपल टेंसेस में करते हैं। अब हम इनको चेंज कैसे करेंगे? चेंज करने के लिए यानी कि इधर मैंने पैसिव लिखा है तो डू और डज जो एक्टिव वर्ब है हमारे उनको हम चेंज करेंगे इज एम और आर। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो यूज करते हैं हम इज एम आर, इनको हम किस में चेंज करेंगे? चेंज यानी कि ये तो सेम रहेंगे इज एम आर, बट वन न्यू वर्ड विल बी एड बीइंग, बीइंग इसमें एक नया वर्ड एड हो जाएगा।
नेक्स्ट आता है हमारा एक्टिव वॉइस में. प्रेजेंट परफेक्ट में हम लोग यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव. पैसिव वॉइस में हैज और हैव के साथ बीन और एड होगा, बीन को हम एड करते हैं. नेक्स्ट रहता है हमारा पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस वो चेंज नहीं होगा, नो चेंज. और फिर आता है हमारा पास्ट इंडेफिनिट जिसमें हम डिड का प्रयोग करते हैं. तो डिड को हम पैसिव वॉइस में वाज और वर में चेंज करेंगे, वाज और वर में चेंज हो जाएगा. नेक्स्ट फिर आता है हमारा पास्ट कंटिन्यूअस, और पास्ट कंटिन्यूअस में हम यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब वाज और वर, और वाज वर को हम पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए यानी कि वाज और वर के साथ बीइंग और एड कर देंगे, बीइंग एड हो जाएगा. उसके बाद आता है हमारा पास्ट परफेक्ट, और पास्ट परफेक्ट सिंपल टेंस में हम हैड प्रयोग करते हैं. जब इसका पैसिव वॉइस चेंज करेंगे तो हम हैड के साथ बीइंग और एड कर देंगे. और इसके बाद आता है हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट. फ्यूचर इंडेफिनिट सिंपल टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब विल और शैल यूज करते हैं, विल और शैल. और इसका जब हम पैसिव वॉइस चेंज करना होता है तो पैसिव वॉइस में हम विल के साथ बी और शैल के साथ बी, विल बी या शैल बी में हम इसको चेंज करेंगे. फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस चेंज नहीं होता. फिर हम फ्यूचर परफेक्ट लेते हैं, और फ्यूचर परफेक्ट में होता है विल हैव और शैल है, और विल हैव और शैल हमको हम कैसे चेंज करेंगे, विल हैव बीन या शैल हैव बीन. और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस बच्चों चेंज नहीं होगा. यानी कि अगर हम बात करें कि टोटल हमारे पास जो सिंपल टेंस रहते हैं वो रहते हैं 12, 12, 4 टेंस इन ईच, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस. लेकिन जब हम इनको चेंज करते हैं तो ये हमारे रह जाते हैं फिर बच्चों केवल 8, यानी कि पैसिव वॉइस केवल 8 का चेंज होता है. प्रेजेंट का जो हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस नो चेंज, और उसके बाद पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस नो चेंज, और फिर आता है फ्यूचर. फ्यूचर का हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस नो चेंज, इनमें कोई चेंज नहीं आता. तो अभी यहां तक देखिए आप, और अभी मैं एक वाक्य आपको कंप्लीटली करके दिखाऊंगा. ओके स्टूडेंट्स, अभी हमने जो चार्ट किया है उसी के बेस पे हम कुछ वाक्यों को जो सिंपल इधर लिखे मैंने सिंपल टेंसेस, और उनको फिर पैसिव वॉइस में इधर चेंज किया है. अभी हम उनको समझेंगे. अभी हमने जो टेबल किया था, चार्ट किया था कि कैसे उनको चेंज करना है, कैसे वर्ब को चेंज करना है. एक और मोटी सी जो बात है कि एक्टिव वॉइस में जो ये वाक्य लिखे हैं हमारे अलग अलग वर्ब यूज होने की थी, वर्ब फर्स्ट, वर्ब सेकंड, वर्ब थर्ड, अकॉर्डिंग टू रूल्स. लेकिन पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज होगी, ये आपको ध्यान रखना है. तो अभी हमने इधर एक्टिव वॉइस के वाक्य लिखे हैं. पहला वाक्य है नताशा लर्न्स ए लेसन, सिंपल वाक्य है. तो इसको हमने कैसे चेंज करना है, ए लेसन जो लास्ट में है ऑब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट है. तो जैसा मैंने बताया था कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है. तो अभी यहां पे ऑब्जेक्ट क्या है, ए लेसन. पैसिव वॉइस में ए लेसन आगे आ गया, सब्जेक्ट हो गया. उसके बाद हमने चार्ट में यूज किया था, चार्ट में देखा था कि डू डज को हम इज एम आर में प्रयोग करते हैं. अब इज एम आर यानी कि अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट अगर हमारा प्लूरल है तो हम आर यूज करेंगे, सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर है तो इज यूज करेंगे, और अगर हमारा सब्जेक्ट आई हो जाता है तो हम यहाँ पे एम यूज करेंगे. तो ये क्या बनेगा, ए लेसन इज लर्न बाय नताशा. बाय का यूज पैसिव वॉइस में सभी में बाय का प्रयोग होगा, इस बात का ध्यान रखना है. दूसरा जो हमारा एक्टिव वॉइस का वाक्य, नताशा इज लर्निंग ए लेसन, एक्टिव वॉइस का वाक्य है, इसको भी चेंज करेंगे.
ए लेसन आगे आ जाएगा, तो हमारा इसमें ऑब्जेक्ट था, यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, ए लेसन इज बीइंग। क्योंकि अगर आपके सामने चार्ट रखा है तो आप देख सकते हैं कि इज एम आर को हमने चेंज नहीं करना, इज एम आर के साथ एक नया वर्ड बीइंग ऐड हो जाएगा और वो हमने ये क्या बनेगा, ए लेसन इज बीइंग लर्न बाय नताशा। तो ये हमारा इज एम आर वाला जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य है वो इस तरीके से चेंज हुआ। उसके बाद आता है प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट एक्टिव वॉइस का वाक्य हमने लिखा नताशा हैज लर्न ए लेसन, और इसको फिर चेंज किया, ए लेसन जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट था इसको हमने यहाँ पे एज ए सब्जेक्ट लिया, ए लेसन हैज, यहाँ पे भी हैज है लेकिन हैज के साथ बीन और ऐड हो गया, ए लेसन हैज बीन लर्न बाय नताशा। उसके बाद हमारा फोर्थ वन जो आता है एक्टिव वॉइस का वाक्य है ये चेंज नहीं होता, फोर्थ प्रेजेंट का यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस नो चेंज। इसके बाद आता है पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट का जो हमारा एक्टिव वॉइस का पहला वाक्य है नताशा लर्न ए लेसन, नताशा लर्न ए लेसन इसमें जैसे ये ऑब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट है तो इनका ही हमें स्थान चेंज करना है, ए लेसन को हमने एज ए सब्जेक्ट लिया, उसके बाद हमने जो चार्ट में किया था कि डिड को हम वाज और वर में चेंज करते हैं तो ए लेसन वाज, अगर हमारा ये यहाँ पे सब्जेक्ट आने के बाद प्लूरल हो जाता है तो फिर वाज की बजाय हम यहाँ पे वर भी यूज करेंगे, लेकिन क्योंकि ए लेसन सब्जेक्ट है जो हमारा वो सिंगुलर है तो यहाँ पे वाज, ए लेसन वाज लर्न, थर्ड फॉर्म यूज ऑफ बाय, बाय का प्रयोग और बाय नताशा यानी जो यहाँ पे सब्जेक्ट थी यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गई, ए लेसन वाज लर्न बाय नताशा। नेक्स्ट फिर हमारा आता है सेकंड पास्ट कंटीन्यूअस, एक्टिव वॉइस का वाक्य है नताशा वाज लर्निंग ए लेसन, इसको चेंज करेंगे, ए लेसन वाज बीइंग लर्न बाय नताशा, हमने चार्ट को जब किया था तो चार्ट में हमने चेंज करते समय देखा था चार्ट में वाज और वर्ब को चेंज नहीं करते बल्कि वाज और वर्ब के साथ बीइंग एक नया वर्ड ऐड हो जाता है, तो ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस चेंज हुआ। फिर आता पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट का हमने वाक्य लिखा नताशा हैड लर्नड ए लेसन, तो इसमें भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इनका स्थान चेंज करेंगे, ए लेसन हैड बीन, क्योंकि एक्टिव वॉइस में अकेला हैड था और पैसिव वॉइस में चेंज करते समय हम इसमें हैड के साथ बीन और ऐड कर देंगे, ए लेसन हैड बीन लर्नड बाय नताशा। और फिर आता है हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, वो चेंज नहीं होगा जो मैंने लिखा है। फिर आता है फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट एक्टिव वॉइस का वाक्य हमने लिखा नताशा विल लर्न ए लेसन, इसको भी सेम वैसे ए लेसन विल बी, यहां पे यानी कि विल और शैल के साथ बी ऐड हो जाएगा, ए लेसन विल बी लर्न बाय नताशा। नेक्स्ट सेकंड जो हमारा है पास्ट कंटिन्यूअस ये चेंज नहीं होगा, इधर मैंने लिखा है नो चेंज। और फिर आता है फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट को हम चेंज करेंगे, एक्टिव वॉइस का वाक्य हमने लिखा नताशा विल हैव लर्न ए लेसन, इसको चेंज कैसे किया, ए लेसन विल हैव बीन, विल हैव बीन लर्न बाय नताशा, यानी कि विल हैव शैल हैव ऑलरेडी इसमें होता है और हमने उसके साथ बीन ऐड करके और वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय उसके बाद इसको करना होता है, और लास्ट का जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस ये भी चेंज नहीं होता और ये मैंने लिखा है नो चेंज। ओके, आज का ये हम यहां तक करेंगे और इससे आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं करवाऊंगा। थैंक यू।